तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर आपको ऐसे खाने मिलेंगे जो कि पूरे कराची में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। जहाँ पर आपको मिलता है हमारे रिवायती और कबायली चिकन दस्तियारी, अफगानी मटन पुलाव, अफगानी सीख बोटी, नमकीन रोश, पिशावरी चपली कबाब और साथ ही साथ जो उनकी कढ़ाई और बारबेक्यूज है वो भी बिल्कुल कबायली और रिवायती अंदाज में बनाए जाते हैं। इसी वजह से इस रेस्टोरेंट का नाम भी कैफे कबायल है। यहाँ के मजेदार रिवायती खानों के अलावा रेस्टोरेंट का इंटीरियर भी अपने नाम की तरह लाजवाब है। चाहे हो इनका सिटिंग एरिया या फिर अंदर बना हुआ दालान या फिर हो इनकी खूबसूरत सी रूफटॉप, तो जब आप यहाँ पर इंटर होंगे तो आपको लगेगा आप किसी और ही मुल्क में पहुंच चुके हैं। तो फिर रेस्टोरेंट की लोकेशन और इनका कॉन्टेक्ट नंबर जानिए आगे वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर खाना खाना तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर से एक बेहतरीन रेस्टोरेंट लेकर मैं आ चुका हूँ। और इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी ये है कि इसका ना सिर्फ नाम कैफे कबायल है बल्कि यहाँ पर जो आपको खाने मिलते हैं वो कबायली अंदाज से बनाए जाते हैं। उनका टेस्ट भी वही देसी स्टाइल का होता है जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, जिसमें आपको चपली कबाब यहाँ पर मिलेगा, उसके अलावा अफगानी बोटी, रोश और दीगर जो कबायली अंदाज से खाने होते हैं वो मिलेंगे, जो कि कराची में बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो चलें इस रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं और आपको बताऊंगा यहाँ पर यही खाने किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उनका जायका क्या होने वाला है, साथ में आपको बताऊंगा इस रेस्टोरेंट की लोकेशन भी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब मैं रेस्टोरेंट में इंटर हो चुका हूँ और मुझे यहाँ का इंटीरियर बहुत अच्छा लगा है। जैसा कि इनका नाम कैफे कबायल है तो पूरा रेस्टोरेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एक करके यहाँ की जगह दिखाता हूँ। पूरा एक जो कबायली ट्रेडिशनल इलाके होते हैं जैसे हवेलियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, उस टाइप का ये इन्होंने पूरा रेस्टोरेंट बनाया और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि यहाँ की लाइटें एक मशाल होती है उस टाइप की लाइटें लगी हुई हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ का इंटीरियर है। दोस्तों अब मैं सर यहाँ पर मौजूद है कैफे कबायल के ओनर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर अपना नाम बताएं पहले तो हमारे। शुएब नाम है मेरा। शुएब नाम है, तो सर आप मुझे बताएं कि कितना टाइम हुआ है इस कैफे कबायल को ओपन हुए? तकरीबन ढाई साल हो गए। अच्छा ढाई साल हुए, तो आपको कैसे ख्याल आया कि एक रेस्टोरेंट होना चाहिए जिसका नाम कैफे कबायल हो, पूरी थीम एक कबायली अंदाज की हो उसकी? जी हाँ, नाम और थीम हमने उसको मैच किया है, कोशिश की है मैच करने की, कैफे कबायल और ट्रेडिशनल सारा एंबियंस है इसका, और कुजीन भी हमने उसी तरह का रखा हुआ है। ठीक है ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है जो इनका इंटीरियर एक्सटीरियर है वो तकरीबन पूरा ट्रेडिशनल स्टाइल का है। जब मैं इधर फर्स्ट टाइम इंटर हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी हवेली के अंदर मैं इंटर हुआ हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा। खाने भी आगे पे इसी थीम के ऊपर है? तकरीबन इसी तरह। अच्छा कुछ मिक्स है इसमें, बच्चों की फरमाइश पे हमने बर्गर और फास्ट फूड और चाइनीज भी रखा हुआ है और बारबेक्यू भी है इसमें लोगों की फरमाइश पे। अच्छा अच्छा, मोस्ट सिग्नेचर आपकी डिश कौन सी है जो लोग बहुत पसंद करते हैं आपके पास आके? मोस्ट सिग्नेचर हमारे पास दम पोक ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा कढ़ाई बहुत पसंद करते हैं, हमारी चाय बहुत स्पेशल है। अच्छा जी हाँ, वो लाजमी ट्राई कीजिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मुझे बहुत खुशी है सर आपसे बात करके, तो व्यूअर्स मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इधर ज़रूर आएगा, यहाँ के खाने आपको बहुत अच्छे लगे, खासतौर पर इनकी कढ़ाई और दीगर आइटम जो है साथ साथ चाय बहुत अच्छी है उसको जरूर ट्राई करिएगा। तो चले अब ऐसा करते हैं कि हमारा खाने का ऑर्डर देते हैं और आपको बताएंगे हम क्या ऑर्डर करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा मेन्यू कार्ड भी आ चुका है कैफे कबायल का, और ये भी काफ़ी ट्रेडिशनल से इन्होंने तरीके से बनाया हुआ है। तो मैंने सोचा कि जब मैं इधर आया हूँ कैफे कबायल पर तो इनकी एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुख्तलिफ एक डिश है जिसका नाम है चिकन दस्तियारी। जिस तरह से नाम इसे यूनिक है दिखने में भी काफ़ी यूनिक सी है, तो मैं वो ऑर्डर दूंगा। और उसके अलावा फिर हमने राइस में हम मंगवाने वाले हैं जो अफगानी राइस होते हैं मटन के साथ वो, और उसके अलावा साथ में एक कढ़ाई है वो इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है काला हरा कढ़ाई, वो मटन में हम मंगवाएंगे। और मेन्यू के साथ ही साथ आप इनकी प्राइस भी चेक कर सकते हैं जो कि मैं शो करवा रहा हूँ, ताकि आपको इजी हो जब आप इधर खाने के लिए आएँ तो आप इजीली इनकी प्राइस देखते हुए ऑर्डर दे सकते हैं। तो चले अब मैंने इन सभी आइटम का ऑर्डर दे दिया है, अब वो तैयार होकर आता है, जब तक हम उसका वेट करते हैं और आपको फिर उसको खा के बताऊँगा सर जायका मुझे कैसा लगा। तो दोस्तों अब मैं कैफे के बाहर के किचन एरिया में आ चुका हूँ और जो इनका किचन है वो मुझे माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लगा है। पूरा ओपन किचन इन्होंने बनाया हुआ है, कोई भी इस किचन में आ सकता है। यहाँ की सफाई का जो इंतज़ाम है वो देख सकते हैं आप, जो खाना यहाँ पर तैयार किया जा रहा है उसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ उड़ रही है जो कि अपने पास बुला रही है। और एक और बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी खाने बन रहे हैं वो बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं और काफ़ी डिफरेंट है दूसरे रेस्टोरेंट से।
दोस्तों हमारा जबरदस्ती फूड रेडी होके आ चुकी है, जो कि हमने बताया था आपको कि हमने स्पेशली जो यहाँ का काबली पुलाव है मटन वाला वो मंगवाए थे, साथ में मटन कढ़ाई मंगवाए थे जो हरा काला के नाम से फेमस है। उसके अलावा स्टार्टर में मैंने मंगवाया था यहाँ का एक चिकन डायनामाइट है उसको, और दोस्तों साथ में आप देख सकते हैं हमारी चिकन दस्तियारी भी आ चुकी है जो कि कितनी ज़्यादा सीजनिंग और मज़ेदार सी लग रही है। उसके अलावा हमारे पास गार्लिक नान मौजूद है, रायता मौजूद है, ज़बरदस्त ड्रिंक भी मौजूद है जिसका नाम है ब्लू कोलाडा। तो चले स्टार्ट करते हैं, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा स्टार्टर से। डायनामाइट चिकन बहुत ही क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार सी है। इसके ऊपर जो सॉस ऐड करी है इन्होंने वो काफ़ी डिफरेंट और मज़ेदार सी है। मुझे यहाँ की डायनामाइट चिकन बहुत अच्छी लगी। तो डायनामाइट चिकन तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं टेस्ट करूँगा इनकी ये जो मटन कढ़ाई है उसको, जिसका नाम है काला हरा। अच्छा, इसका एक वजह ये है काला हरा नाम रखने की, इसमें जो स्पाइस इन्होंने ऐड करे हैं वो ग्रीन चिली ऐड करी है, हरा मसाला ऐड करा है, साथ में ब्लैक पेपर, तो इसी वजह से इसका नाम ये है। तो इसको मैं टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा इसका जायका कैसा है। जो इनकी ये मटन कढ़ाई है इसका जायका बहुत अच्छा है, जो मटन है पूरी अच्छी तरह से फुली कुक्ड है, इसकी जो बोटी इन्होंने कट करी है बिल्कुल बाइट साइज की है, लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा है, इतना रेड चिली नहीं है जितना इसमें ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर का आपको जायका आएगा, तो ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा दोस्तों, हमारी जो सिजलिंग सी प्लेट है हमने स्पेशली मंगवाई थी जो कि इनकी बहुत फेमस है, इसका नाम है चिकन दस्तियारी। तो देखते हैं इसका जायका कैसा है खाने के अंदर। प्रेजेंटेशन के फुल मार्क्स हैं, लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन दस्तियारी मैंने टेस्ट करी है, वाकई में इसका जायका बहुत अच्छा है। जो इसकी चिकन है वो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने कुक करी है, साथ में जो स्पाइसेस हैं वो माइल्ड फ्लेवर के स्पाइसेस हैं, कुछ वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड करी हैं, लेकिन ऊपर से जो इन्होंने सॉस की टॉपिंग करी है उसकी वजह से इतना ज़बरदस्त जायका है, हल्का सा माइल्ड है, स्पाइसी नहीं है, लेकिन जब आप इसकी पहली बाइट लेंगे तो आपके मुँह में जायकों का ब्लास्ट होगा, तो ओवरऑल इसका जायका बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ का खाना बाकी में बहुत लाजवाब है, चाहे इनके ड्रिंक्स हो, काला हरा कढ़ाई हो, चिकन दस्तियारी हो, या इनका अफगानी पुलाव और ये स्टार्टर हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही बोलूँगा कि इनका फ्लेवर वाकई में ऑथेंटिक है, जो एक कबायली और रिवायती खानों का होता है वो है, इतना स्पाइसी नहीं है लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आके। और जो इनकी प्राइसेस है वो जैसा कि मैंने आपको मेन्यू के टाइम पे भी बता दी, तो आप उधर से अच्छे से इनकी प्राइसेस भी चेक कर सकते हैं। तो मेरा आज का यहाँ का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मुझे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।